Hi viewers, welcome back. I am Master Jain M.K. Sir from Superior Institute of Chinese Martial Arts Pakistan. आज हम आपको सिखाएंगे कि अगर कोई आपको पीछे से गन कमर पर रख देता है तो आप अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इस टेक्निक के लिए जो हम गन यूज़ कर रहे हैं ये बच्चों की टॉय गन है, रियल नहीं है. एंड सेकंड, आपको हमेशा ये चीज़ अपने जहन में रखें कि आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है. आपको अगर ले देकर कहीं अगर आप अपनी जान छुड़ा सकते हैं तो आप अपनी जान ज़रूर बचाएं. ये नहीं कि आप किसी चीज़ के लिए, सपोज आपके सामने वाला आपसे मोबाइल छीनना चाह रहा है या आपसे कुछ पैसे की डिमांड कर रहा है और आप उसको बचाने के लिए आप आगे से उसके साथ झगड़ा करते हैं, आप मुकाबला करने की कोशिश करते हैं और इस सूरत में आपकी जान चली जाए तो आपकी ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जान बचाएंगे ना कि अपना पैसा बचाएंगे या अपनी किसी चीज़ को बचाएंगे. वो दोबारा भी आप कमा के बना सकते हो लेकिन आपकी ज़िंदगी या जान चली जाती है तो वो दोबारा नहीं आ सकती. इसलिए जो हमारी जो पहली सजेशन है, आप खुदा ना खास्ता अगर किसी ऐसी बैड सिचुएशन के अंदर हैं तो आप अपने आप को कोशिश करें कि ले देकर अपनी जान छुड़ाएं. लेकिन अगर इससे भी किसी बुरी सिचुएशन में है कि आपको ले देकर भी आपकी जान नहीं छोड़ी जा रही, कोई आपको मारना ही चाहता है या आपको किडनैप करने की कोशिश ही कर रहा है, तो इन दैट केस आप इस टेक्निक को यूज़ करके अपने आप को बचा सकते हैं. लेकिन इस टेक्निक को यूज़ करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको बहुत आपने ध्यान देना है कि बहुत विजिलेंट होना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है. बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बगैर ये टेक्निक हो सकता है कि आपको उतना फ़ायदा न दे सके और रियल लाइफ के अंदर दूसरा चांस नहीं मिलता. तो इसलिए इस टेक्निक को बहुत अच्छे से देखिएगा और बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करें और तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. इसको हम ब्रीफ कर देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं किस तरह आपने करना है. अगर आप खड़े हैं और कोई आपको पीछे से आके गन आप पे रख देता है, किसी चीज़ की डिमांड करता है या आपको वो धकेल के आगे लेके जाने की कोशिश करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गन की रेंज से निकलना है. अगर मैं इसको यूं करता हूँ कुछ भी करता हूँ तो फायर मुझे लग जाता है. तो गन की रेंज से निकलते हुए आपने जैसे स्टेप आगे चलता है प्रेशर के साथ, आप यहाँ से यहाँ निकलते हो, गन की रेंज से निकलते हो और निकलते ही आप अपने हाथ से उसके नेक के ऊपर एक पावरफुल अटैक गर्दन पे दे देते हैं, ठीक है. एंड देन ग्रोइन पे हिट और यहाँ से प्रेशर देते हुए आप यहाँ से शोल्डर को प्रेस कर देते हैं, फेस पे नी का अटैक कर देते हैं और यहाँ से लॉक करते हुए आप गन ले लेते हो और सिचुएशन आपके कंट्रोल में होती है. बहुत ही ईजी इफेक्टिव टेक्निक है लेकिन इसको अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, अच्छे से सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि आपने गन की रेंज से निकलना है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप गन की रेंज में हैं तो आप फिर मूव होते ही आपको फायर लग जाता है. आपने यहाँ से अपने अपोनेंट को ये शो नहीं करना कि आप उसको कुछ भी उसके ऊपर अटैक करना चाह रहे हैं या आप अपने आप को बचा रहे हैं. आप थोड़ा सा उसको ये शो करेंगे कि आप बचा नहीं सकते और आप उससे कुछ कह रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उसको किसी तरह भटका रहे हैं ताकि उसका जहन ये हो कि मैंने इसको कंट्रोल कर लिया है. इन दैट आप फौरन यहाँ से अपनी बॉडी को एक मूव के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप गन की रेंज से निकल चुके हैं, उसी मूव के साथ जैसे ही आपने यहाँ से गन को हटाया ये हाथ नेक पे पूरी फोर्स से हिट कर चुका हो एंड सेकेंड आपने ग्रोइन फुल पावर से हिट कर दिया, देन आप यहाँ से पूरी फोर्स से नीचे ले जाते हैं, शोल्डर को प्रेशर देते हैं और फेस पे नी का अटैक कर देते हैं और यहाँ लॉक रखते हुए आप गन ले लेते हैं और सिचुएशन अपने कंट्रोल में कर लेते हैं. आपको दूसरी साइड से दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि आपने खुद को इस पोजीशन के अंदर कैसे बचाना है. आप जा रहे हैं, आपको किसी ने पीछे से गन रख ली है, आपको लूटने की कोशिश की जा रही है, आपको मारने की कोशिश की जा रही है, आप अपने आप को कैसे बचाएंगे या आपको किडनैप करने के लिए किसी गाड़ी की तरफ ले जाकर बैठाया जा रहा है और आपने चलते चलते यहाँ से जैसे ही आप देखते हो कि आपने मूव किया इसी फुटवर्क में आपने गन की रेंज से निकलते ही नेक के ऊपर हिट, ग्रोइन हिट एंड देन शोल्डर को प्रेस करके नीचे ला के नी फेस पे हिट करना है और यहाँ से लॉक करते हुए बॉडी को गन लेके आपने सिचुएशन अपने कंट्रोल में कर लेनी है. बहुत ही इजी इफेक्टिव टेक्निक है.
लेकिन प्रैक्टिस के बगैर आपको उतना बेनिफिट नहीं दे सकती। आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, बहुत कोशिश के बाद आप इसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकेंगे। और जैसे पहले आपको बताया कि आपने किसी भी सिचुएशन के अंदर अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना। अगर आप घबरा जाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं, तो आप सिचुएशन को नहीं संभाल सकते। आपने अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखते हुए आपने इस टेक्निक को अप्लाई करना है, और इस टेक्निक को कई बार प्रैक्टिस करने के बाद आप अप्लाई करने के काबिल होते हैं। इजी टेक्निक है, इफ़ेक्टिव टेक्निक है, लेकिन प्रैक्टिस के बगैर उतना आपको बेनिफिट नहीं देगी। सो आप इसकी बहुत सी प्रैक्टिस करें ताकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।